नमस्कार दोस्तों, इलीट इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये है 10 HP टू स्टेज मॉडल विद 225 लीटर टैंक, जिसको 500 PSI टैंक भी बोल देते हैं। दोस्तों ये टू स्टेज थ्री सिलेंडर यूनिट है। यहाँ पे आप इसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। 10 हॉर्स पावर इसकी ड्राइविंग पावर है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसकी 80% आपको मिलेगी। फ्री एयर डिलीवरी 24 CFM होगी। प्रेशर आपको इसका 12 बार प्रेशर मिलेगा। और मशीन नंबर, मॉडल नंबर, इस प्लेट पे सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। आज दोस्तों इस यूनिट की आपको वर्किंग दिखाएंगे कि कैसे ये यूनिट वर्क करता है, इसका प्रेशर कितने टाइम में ये फिलअप करता है। इस यूनिट में दो लो प्रेशर सिलेंडर होते हैं दोस्तों, और ये सेंटर में जो होता है ये एक हाई प्रेशर सिलेंडर होता है। दो तरफ से इस कंप्रेशर ने सक करना है, और सेंटर में जो इसका पिस्टन होता है वो दोनों सिलेंडर की एयर को डबल कंप्रेशन देता है। तो हैंस जो हमारे पास जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। 10 HP फोर पोल मोटर हमने यूज़ की हुई है इस मॉडल के साथ। इलाइट की ही बनी हुई ये मोटर है, और काफ़ी अपडेशंस हैं इस मॉडल में। आपको अभी इस मॉडल की रनिंग भी दिखाएंगे। उससे पहले इसमें क्या क्या पार्ट्स हमने यूज़ किए हैं। DUL स्टार्टर BCH का 40 एम्पेयर कॉन्टैक्टर की इसकी कैपेसिटी है। ये मास की PSI गेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। प्रेशर स्विच आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके साथ 1.5 इंची साइज़ का नॉन रिटर्न वाल्व, और उसके साथ सर लीफ वाल भी दिया होता है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे सेपरेट एक सेफ्टी वाल्व काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे आउटपुट के लिए, ये दोनों साइड पे आपको मिल जाएगा 0.5 इंची का। और नीचे अगर आपने ऑटो ड्रेन वाल्व लगाना है या मैनुअल ड्रेन वाल्व लगाना है तो उसकी आपको ऑप्शन मिल जाती है। सो दोस्तों अब इस यूनिट को ऑन करा के आपको इसका प्रेशर चेक करवाएंगे। CFM अप्रॉक्सीमेट इसकी जो फ्री एयर डिलीवरी होती है। और मौसम अगर मॉइस्चर वाला रहता है, हीट ज़्यादा रहता है, तो एफिशिएंसी थोड़ी डाउन आ सकती है। 23 CFM तक ये फिर भी वर्क करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी तेज़ी से जो इसका प्रेशर जो है बढ़ता है। लगभग हम इसका इस टैंक के साथ जो कट ऑफ रखते हैं वो 150 के ऊपर कट ऑफ रखते हैं। तो ऑलमोस्ट 4 मिनट में और 3.5 मिनट में ये अचीव कर लेता है अपना कट ऑफ, अगर ज़ीरो से हम देखें तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 30 सेकेंड्स में ये 45 PSI जो एयर है इसने अचीव कर ली है प्रेशर। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यूनिट ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। तीन सिलेंडर होने की वजह से हीट डिसिपेशन भी काफ़ी होती है। कुछ कंपनीज़ दो पिस्टन यूज़ करती है 10 हॉर्स पावर में भी पिस्टन बढ़ा करके, लेकिन उस केस में एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो इसमें ये इंटरस्टेज चैम्बर लगा होता है जहाँ पे दोनों सिलेंडर की एयर जो है वो इकट्ठी हो जाती है। यूनिट की ज़्यादा नॉइस भी नहीं होती। तो आप अगर छोटे हॉल में भी अगर आपने इसको रखना है तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला। यहाँ पे भी आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी। इसका बेल्ट का टेंशन चेक करना है आपने, ऑयल आपने चेक करना है, कितनी देर के बाद ऑयल आपने चेंज करना है। तो सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो टैंक के चारों तरफ आपको मिल जाएगी दी हुई। तो ये प्रेशर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रेशर भी काफ़ी 12 बार में आपको प्रेशर यहाँ पे मिलेगा, वर्किंग प्रेशर जो होता है दोस्तों। काफ़ी एफिशिएंट ये यूनिट होता है। आप देख सकते हो कि वीडियो में कोई भी हमने कट नहीं लगाया हुआ, और टाइमिंग आप चेक कर सकते हो 100 PSI पे ये पहुंच चुका है जब से ऑन हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा आप कमेंट जरूर करिए। अगर कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए
इस मॉडल में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हमारे दिए होते हैं, और आप मैसेज भी कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको सारा कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।